हेलो एंड वेलकम गाइस दिस इज आशीष एंड आज की इस वीडियो में आपसे पूछूंगा दो सवाल राइट गाइस पहला कि क्या आप रेडी हैं अपने फ़ोन पे डालने के लिए एक कस्टमाइज रोम और दूसरा क्या आप कन्फ्यूज हैं कि आप कौन सा रोम डालें तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीजन ओएस का रिव्यू जो ऊफ़ गैंग लोगों ने ऊफ गैंग के डेवलपर्स ने बनाया है एंड नॉट बनाया है पोर्ट किया है फॉर पोको एफ सो विदाउट एनी देरी गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड सो so वैज़ हम आ गए हैं अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे बहुत ही मिनिमल सा डिज़ाइन बहुत ही मिनिमल सा लुक मैंने रखा है अपने फ़ोन के लिए बस कॉल और मैसेजेस की फंक्शनैलिटी जो मेरी डेली ड्राइवर्स हैं उन दोनों को मैंने होम स्क्रीन पे रखा है बाकी सब जो भैया है वो अपने ऐप ड्रॉर पे आ गया है यहाँ पे नेवर सेटल का आपको विजिट मिल जाता है एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में आपको सारे नोटिफिकेशन एंड फीचर्स सॉरी सारे फीचर्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं अगर आप एडिट करने पे जाएंगे तो आप और भी जो है फीचर्स वन प्लस के जो है मिल जाएंगे एंड uh, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे ही मिल जाते हैं जेन मोड जो पर्टिकुलर वन प्लस का फीचर है वो भी आपको मिल जाता है यहाँ पे अब जाके सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ कि कुछ कैसा दिखता है ये वन प्लस सेवन का पोर्ट तो बिल्कुल वन प्लस सेवन के अबाउट से, फोन में जैसा दिखेगा इट इज़ अ पोर्ट एंड पोको एफ वन का जो यहाँ पे आप चाहिए तो नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे एडिट कर सकते हैं मैं ऐसे ही रहने देता हूँ अभी के लिए एंड आप देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्शन जो है एंड्रॉयड वर्सन 11 पर मैं रन कर रहा हूँ नेवर गोना गिव यू बिल्ड एंड यहाँ पे कुछ बग फिक्सेस थे पहले जो बग्स जो थे वो अभी फ़िक्स हो गए हैं मेरा जो कर्नल है मेरा अभी मैं जेनोस का आर एटीन कर्नल यूज़ कर रहा हूँ एंड बिल्ड नंबर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेवर गोना गिव यू अप पोपो फॉर एवर हैश टैग पोपो फॉर एवर का जो है बिल्ड यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर मिल जाता है इसके अलावा जो है आपके फ़ोन में उन्होंने आपको डॉल बी अटमॉस का फीचर्स दे दिया है पहले जो सेटिंग्स में हुआ करता था अब आपको ऐप आप भी मिल गया है यहाँ पे मूवी म्यूज़िक क्या आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपको सारे ऑप्शंस दे दिए गए हैं यहाँ पे बस आपको ऑन करना है एंड आपका जो म्यूज़िक है ये कस्टमाइज़ हो जाएगा इक्वलाइज़ कर सकते हैं आप इसके अलावा जो आप यहाँ पे जो पहले वन प्लस सेवन का ड्रॉर देखते थे जिसमें आपको आपका डेली स्टेप काउंट बताता था वो जो है वो अब हट गया है एंड यहाँ पे जो है अच्छा सा न्यूज़ का जो है पैनल डाल दिया गया है एंड इसके अलावा जो आप सेटिंग्स में जाके आपको एक बार कस्टमाइजेशन दिखा देता हूँ कस्टमाइजेशन में आपको सेम ऑप्शन जो है वन प्लस का जो है कैनवास आपको मिल जाता है कैनवस कैनवास आपको मिल जाता है उसके बाद क्लिक क्लॉक ऑन एम्ब एम्बियन डिस्प्ले मिल जाता है राइज लाइट जो है वो भी मैं आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है तो आप सभी ये सेटिंग्स जो है परफेक्टली काम कर रहे हैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं ई ओ दिखा देता हूँ एंड डेविगो का ई डी परफेक्टली काम कर रहा है एंड इसके बाद अगर आपको देखना है कि आपका फेस लॉक का क्या सीन है तो फेस लॉक का भी मैं आपको सीन दिखाई देता हूँ यहाँ पे फेस लॉक का मैं पिन डाल देता हूँ जल्दी से सो so गाइज़ मैंने अपना फ़ेस ऐड कर लिया है मैं आपको दिखा देता हूँ कि फेस लॉक काम कर रहा है या नहीं फेस लॉक जो है ये देख सकते हैं बिल्कुल से अच्छे से काम कर रहा है मैंने अपना फ़ेस यू मतलब मैंने फिंगरप्रिंट यूज़ नहीं किया फिंगरप्रिंट अगर आपको नहीं दिखाना है तो ये देख सकते हैं मेरे सारे फिंगर्स जो है यहीं पे हैं एंड मैं अपना फेस जो है ऐसे करके दिखाता हूँ एंड अनलॉक हो गया वी गो गाइज तो इसमें अभी आई फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है वो अभी अवेलेबल नहीं है एंड शायद कभी आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हो इसमें आई फेस लॉक वो जो है एम का ट्वेल्व पॉइंट सिक्स जो है पोर्ट ऊफ कैंक की तरफ से ही उसमें आई आर फेस लॉक शायद अवेलेबल है तो दैट इज़ इट गाइज इसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे साउंड्स एंड वाइब्रेशन में जाके दिखा देता हूँ यहाँ पे भी डॉल बी एटमोस का इफेक्ट है इसमें फ़िल्म और म्यूज़िक ऑप्शन मिल जाता है आपको एंड यहाँ पे लाइव कैप्शन जो है सब कुछ अच्छे से काम करता है तो आप वो भी देख सकते हैं जहाँ तक कि उसकी बात है अगर आपको ये सब चीज़ों की फ़ोन में रिक्वायरमेंट है तो सभी कुछ यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे आज तक मैंने कोई ऐसा खास बग फेस नहीं किया है अभी तक जो कर रहा हूँ वो ये गूगल सर्विसेज़ का है एंड आई एम डैम श्योर गूगल प्ले सर्विसेज के अपडेट को हटाने के बाद ये हट जाएगा एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग प्रॉपरली तो अगर आपको डिजिटल वेलबीइंग well या गूगल सर्विसेज के साथ कोई एरर आता है तो आपको बस वहाँ का अपडेट uh, जो है वो अन इंस्टॉल करना है एंड यू विल बी गुड टू गो तो इसके अलावा जो है आप डिस्प्ले पे चले जाएंगे एंड ब्राइटनेस ब्राइटनेस इन वो सब सभी कुछ सही से काम कर रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं एंड यहाँ पे मैंने थर्टी मिनट्स का स्लीप एक्टिविटी रखा है आई डोंट नो वाई डट आई डू देट एंड एडवांस में जाके आप देख सकते हैं स्क्रीन कैलिब्रेशन में नेचुरल एडवांस का ऑप्शन मिल जाता है मैं विविट पर रखना चाहूँगा या नेचुरल पे तो एवरी लुक्स ग्रेट मैं वीवीड भी पे रहने देता हूँ फिलहाल के लिए एंड लेट्स गो एंड सी आर नॉच डिस्प्ले नॉच डिस्प्ले भी आप चेक कर आ, आप इधर शो कर सकते हैं हाइड करके कर रख कर सकते हैं तो मैं अगर आपको शो करके कर दिखा दूंगा तो कुछ ऐसा दिखता है गाइज एंड अगर आप हाइड करना चाहेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है कैमरा जो है बीच में आ जाता है अ इशू इसके बाद जो है आपको मैं विजन कम्फर्ट में जा दिखा देता हूँ सब कुछ सही सही काम कर रहा है एंड डिस्प्ले साइज़ अगर आप छोटा बड़ा जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं मैं अभी डिफ़ॉल्ट स्मॉल पर रहने देता हूँ दैट्स हाउ आई लाइक इट तो इसके अलावा जो है गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है आपको सिस्टम में जाने के बाद रैम बूस्ट का जो ऑप्शन है ये भी परफेक्टली काम कर रहा है मैंने इसको काम काम करते हुए देखा है ये जहाँ पर बैलेंस करके चलता है कि कहीं अगर रैम आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो ज़्यादा एंड uh, जहाँ कम करना है आप कम कर सकते हो सो दे वी गो गाइज दिस वॉज अ स्मॉल रिव्यू ऑफ माई पोको एफ वन वन प्लस सेवन का पोर्ट बाय ओफ गैंग थैंक थैंक यू गाइज फॉर मेकिंग दिस इज़ अ ग्रेट कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बैलेंसड है एंड बहुत ही स्मूथ एंड फास्ट है मैं आपको कुछ एप्लीकेशन ओपन करके ऐसे दिखा देता हूँ कि uh, कितना स्मूथ ये चल सकता है तो वी गो थोड़े से और एप्लीकेशन एप्लीकेशन्स खोल लेते हैं एंड यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है आप बहुत ही फास्ट है और बहुत ही स्टेबल है सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एंड अगर आपको इस रॉन्ग को ट्राई करना है तो मैं अगला वीडियो जो है इसके इंस्टॉलेशन पे बना दूंगा पोको एफ वन पे अभी जो है इसकी बिल्ड अवेलेबल है दूसरे फ़ोन्स के लिए और आ रही है सो तो पोको एफ वन तो आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड अग्रेसिव गेमिंग का फ़ोन एम आई एन ने लाया था हमारे इंडियन uh, कस्टमर्स के लिए सो so, उसके लिए अभी अवेलेबल है जो बाकी के फ़ोन के लिए बिल्ड जो है वो अभी लेटर आ सकती हैं एंड दैट इज़ इट गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें एंड कमेंट करें अगर आपको इसके बारे में कैसे फ्लैश करना है या इंस्ट्रक्शंस चाहिए अगर आपको कैसे करना है या अगर आपके फ़ोन के लिए अवेलेबिलिटी है तो चेक करना है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं मैं आपको करके बता दूंगा सो दैट इज इट गाइज थैंक यू आई एम साइनिंग आउट